लिए ऊपर और देखते हैं आपको मैं उधर महादेव के नीलकंठ महादेव के दर्शन करवाता हूँ अगर संभव हुआ तो। और बाकी आप पीछे का भी व्यू देख सकते हैं, बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। Thank you.
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नीलकंठ महादेव पहुंच चुका हूं। बाकी आप यहां देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि के दिन चारों तरफ जाम ही जाम है। बाकी आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, नीचे से पूरा जाम लगा पड़ा है। और इधर साइड भी देखिए, इधर साइड भी पूरा जाम लगा पड़ा है। और अभी मंदिर ऊपर है तो अभी मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन आपको बाहर से ही दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर अब आगे मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। और दोस्तों आपको नेचर का भी व्यू दिखाना चाहूँगा। पीछे आप नेचर का व्यू देख सकते हैं, किस तरीके का नेचर का व्यू आ रहा है, मस्त वाला अल्टीमेट व्यू कह सकते हैं। और बाकी चलते हैं दोस्तों ऊपर और आपको मैं मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। बाहर से ही सही, लेकिन दर्शन जरूर करवाऊंगा आपको। बाकी आप नीचे देखिए कितनी गाड़ियों का पूरा जाम लगा हुआ है। इधर से भी जाम है, नीचे से भी पूरा जाम है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है 1 किलोमीटर की। तो चलते हैं मंदिर की ओर पैदल यात्रा पर। यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है यहाँ से। अब फ्रेंड्स आज शिवरात्रि के दिन देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ आज मंदिर में। तो रास्ते में टोटल भीड़ है। बाकी अभी मंदिर थोड़ा और आगे है, बहुत सारी भीड़ लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से ऊपर तक लाइन, पूरी लाइन लगी पड़ी है। फिर यहाँ से नीचे को डाउन है, बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। और अभी भी लोग आए जा रहे हैं और आगे हजारों की संख्या में आगे जो भक्तजन है वो आगे जा रहे हैं। फिर भी लेकिन भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी खतरनाक है, रास्ता तक नहीं मिल रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और हम मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। चलो घर चलो। मंदिर के अंदर नहीं है, ये पता नहीं है अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको हम जा रहे हैं तो बात करेंगे। ना
ये घर में दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अंदर तो अलाउड हुआ नहीं, तो यहाँ से मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। सामने देख सकते हैं नीलकंठ महादेव, तो जैसे कि देख सकते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और स्वर्ग आश्रम की पहाड़ियों से स्थित है। और यहाँ की मान्यता है कि जैसे समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक कलाकूट नाम का विष्णु था, उसको महादेव ने धारण किया था और उनका कंठ यानी कि गला नीला पड़ गया था। दर्शन कर ही लिए हैं, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा, बड़ी मशक्कत के बाद दर्शन हुए हैं मंदिर के भोलेनाथ के। तो अब दर्शन कर लिए तो घर को चलते हैं, अब यहाँ से अभी 2-2.5 घंटे का सफ़र है, तो यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ और चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट। Love you.